आप हमारे से पूछ के आना कि आप अथॉरिटी है ये एरिया के, हमें आप हमारे छेड़ा दीजिए, आप हमारे को बोलना ये छेड़ा तुम भाई बैठो घर कौन चलाते आप ना चलाते जान दो जान दो रोड है आगुबा नहीं है उत्पाद क्या पर है उत्पाद क्या पर है आप जज्बात में बात कर रहे हो 30 साल से ना यहाँ पे, आज आप 30 साल के बाद आपकी भी उसमें हमारी भी उम्र हो गई उसमें, अभी अभी जी गए रोड का दिखरा बन गया, ये जो 2-3 फालतू आने यहाँ पे టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళకి చెప్పండి అమ్మా ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్, ఒక్క ఫ్యామిలీ కాదు 500 ఫ్యామిలీస్ దీని మీద బతకండి, ఆపకు మాలూమ్ 500 ఫ్యామిలీ ఆయన లోగా కోనే ఉంటా ఫోన్ టేక్ కేర్ కరేంగా ఉంటా हर चीज में पुलिस प्रोटेक्शन कैसा होगा, बीस साल से लगातार आज आज तक लगातार वो छोटे मोटे कारोबार फ्रूट के और दीगर तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करते हैं, बग़ैर इत्तला के जो GHMC के ACP सर्कल 13 के और GHMC के ACP सर्कल 12 के तमाम GHMC के अहदेदार मिलकर आज रोड के ऊपर जो कारोबार करने वालों को तमाम का कारोबार को नुकसान किया गया, नुकसान के अलावा जो उनके जो शेड से तटियों के वो तटियों को भी तोड़कर उनके बंडियाँ उनका जो फ्रूट का सामान जो भी था वो लेकर चले गए, जिसके बाद हमारे सदर मोहतरम को जैसा इतला मिली मुझको और मेरे नामपल्ली मिलर साहब को हिदायत दिए, यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पर पहुँच कर ACP गोशा महल से तफसीली बात किए और उनको जितने भी कारोबार वालों को बताया कि फुटपाथ के ऊपर जो तटियाँ उटियाँ जो तोड़ दिए शेड तोड़ दिए वो तटियाँ और शेड को जमा लेने के बात किए और ACP गोशा महल को भी बताया कि कल शाम 5 बजे तक ये तमाम लोग जमा लेंगे, उसके बाद जो ट्रैफिक के ताल्लुक से जो बता रहे इंशाल्लाह उनसे बैठ कर बात करेंगे, मगर आज जो नुकसान करे GHMC के ऑफिसर्स और ट्रैफिक के ऑफिसर मिलकर काफ़ी मैं समझता हूँ यहाँ पर गुड्डी मलकापुर फूल मार्केट और तरकारी मार्केट के बाहर फुटपाथ के ऊपर कारोबार करने वाले कम से कम 500 फैमिलीज रहते हैं, इन तमाम के तमाम गरीब लोग हैं और ये तमाम के तमाम नामपल्ली हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, कारवान हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका तमाम का नुकसान किया गया, इंशाल्लाह इस बार को सदर मोहतरम के सामने रखकर GHMC के कमिश्नर साहब से जोनल कमिश्नर साहब से और यहाँ पे जो एडिशनल कमिश्नर साहब हैं मैंने ट्रैफिक के उनसे बात करी है और इन तमाम गरीबों का भी जो नुकसान किया और कमिश्नर बल्दिया से बात करके इनका इनके लिए कंपनसेशन दिलाने के लिए बात करी है, आज के यहाँ पर जो भी आए हमारे नामपल्ली MLA साहब माजिदुद्दीन साहब मैं और हमारे कारपोरेटर्स और नामपल्ली के तमाम वर्कर्स कारवान के तमाम वर्कर यहाँ पर आए, इंशाल्लाह उन तमाम को बताया कि आप शर्त डाल लेने के लिए बताया और ACP गोशा महल भी तयखुन दिया कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करने का तयखुन दिया, शुक्रिया। ये जो करे कमिश्नर साहब की नॉलेज में नहीं होगा, ये तमाम फोटोज लेकर कमिश्नर बल्दिया को बताएंगे और कमिश्नर पुलिस को भी बताएंगे जो ट्रैफिक के और दीगर अहदेदार पब्लिक के ऊपर गरीबों के ऊपर जो जुल्म करें तमाम फोटोज को ले जाकर बताएंगे।